बात करते हैं भूमाफिया का कॉलेज बाबा का बुलडोजर। जी हाँ, सरकार एक तरफ कॉलेज बनवा रही तो दूसरी तरफ आज यूपी के और एम एक कॉलेज पर ही बाबा का बुलडोजर चल गया। मोहित खान और नवाब सिंह यादव जैसे रेप आरोपियों के साम्राज्य को बुलडोजर से नेस्ते नाबूद कर देना, यहां तक तो जनता को हर्ज नहीं था, लेकिन कॉलेज को बुलडोजर से गिरा देना, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। आखिर क्यों कॉलेज पर योगी का बुलडोजर एक्शन हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बुलडोजर मंगा दिया, ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। कल अयोध्या में बाबा का बुलडोजर चला था गैंगरेप आरोपी मोहित के खान कॉम्प्लेक्स पर, तो आज औरैया में बुलडोजर चला है वो भी एक कॉलेज पर। ये जनता महाविद्यालय है, औरैया के दिबियापुर सेहूद गांव का कॉलेज। आज योगी के बुलडोजर ने यही दस्तक दी। जिस कॉलेज को तोड़ा जा रहा है, ये कॉलेज चंद्रमणि वाजपेयी की है। आखिर बाबा का बुलडोजर वाजपेयी के कॉलेज पर क्यों चला? औरैया के रहने वाले चंद्रमणि वाजपेयी ने साल 1971-72 के फर्जी आवंटन को दिखाकर औरैया दिबियापुर रोड किनारे 10 एकड़ जमीन हथिया ली थी और ग्राम सभा की इस सरकारी जमीन पर बिल्डिंग बनाकर दो कॉलेज भी शुरू कर दिए। चंद्रमणि वाजपेयी खुद इस कॉलेज का प्रबंधक बन गया। 52 साल बाद जमीन के इस फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आई तो प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलेज पर बुलडोजर चला दिया। लगातार प्रशासन भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है और अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को खाली करा रहा है। 10 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कूट रचित दस्तावेज से 10 एकड़ जमीन पट्टे की नाम करा ली और उसके बाद इस बिल्डिंग को बना लिया और यहां पर शिक्षण संस्था संचालित कर दी। इस पूरे मामले में पर्दा ना हटता अगर जमीन को लेकर पारिवारिक कलह ना हुआ होता। दरअसल जमीन को लेकर परिवार के ही लोगों ने शिकायत की थी। अधिकारियों ने जांच की तो जमीन का पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। चंद्रमणि वाजपेयी ने इस जमीन को राजस्व कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ कर अपने नाम किया था। विधवा कस्बा निवासी होने के बाद भी सदर तहसील के सेहूद ग्राम पंचायत में जमीन का आवंटन करवा लिया। चंद्रमणि वाजपेयी के निधन के बाद उनकी भतीजी मिथिलेश कुमारी इस कॉलेज की प्रबंधक बन गई। लेकिन आधा दशक बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सारा खेल सामने आ गया और इसके बाद भ्रष्टाचार का संपूर्ण इलाज करने बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। जमीन को भ्रष्टाचार की इमारत से मुक्त करा लिया गया। प्रशासन ने इस 10 एकड़ जमीन को दोबारा ग्राम सभा में दर्ज करने का आदेश जारी किया है। प्रबंधन के खिलाफ दिबियापुर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। ये सेहूद गांव में ढेर सारी अनियमितताएं पाई गई थी, इसमें कमेटी बनाई गई थी और चकबंदी के बाद बिना किसी आदेश के सीधे सीधे फ्रॉड करके कुछ जमीनें हड़पी गई थी ग्राम समाज की, जिसमें से 10 एकड़ जमीन जो जनता महाविद्यालय है उनके द्वारा भी, क्योंकि दूसरे जगह रहने वाले थे, यहाँ उन्होंने फर्जी प्रविष्टि करके इस संबंध में SDM का मुकदमा चला। बाबा का बुलडोजर अपराध की कमर तोड़ने में लगा है। अयोध्या में मोहित का ठिकाना हो, कन्नौज में नवाब ब्रांड के रिश्तेदार का अवैध किला हो या औरैया में भ्रष्टाचार की इमारत हो, हर तरफ सख्त कार्रवाई जारी है। अपराध के शोर को बाबा का बुलडोजर अपनी गर्जना से शांत कर रहा है। गौरव श्रीवास्तव, औरैया, Zee Media।